चार साल बाद किंग खान लौट रहे हैं और लेके आ रहे हैं एक तूफान। मैं इसे पठान नहीं कहूंगा, मैं इसे तूफान ही कहूंगा, क्योंकि दोस्तों ये वो तूफान है जिसके बीच बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भाई वो KGF चैप्टर 2 का हो, बाहुबली का हो या फिर किसी भी फिल्म का हो, हर रिकॉर्ड के पीछे भैया ये लग चुका है और किसी भी वक्त कभी भी यह रिकॉर्ड सारे के सारे टूट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी एडवांस बुकिंग जो इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दी गई है कुछ कुछ थिएटर्स में, वहां इसका क्या खेल चल रहा है। क्योंकि दोस्तों वहीं पे अभी एक दिन के अंदर ही भाई 24 घंटे पूरे नहीं किए इस फिल्म ने, वहीं पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं और क्या इसके अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है पहले दिन के अंदर, और क्या एडवांस बुकिंग अभी तक इसने टोटल अभी तक कर ली है और आगे चल के भी क्या एडवांस बुकिंग कलेक्शन करने वाली है, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। और इसलिए वीडियो में आज तक जरूर बने रहेगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत सारे जो PVR हो गए, आयोनॉक्स हो गया, IMAX थिएटर्स हो गए, यहाँ के अंदर जितना भी है आपको ना स्टार्ट होती इसकी एडवांस बुकिंग नज़र आ चुकी है। इनफैक्ट हमारे शहर में भी हमको PVR के अंदर इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती नज़र आई है। बट दोस्तों जो मेजर सिनेमाज हैं, जो मतलब और भी हैं, मिराज हो गए, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग सिनेमाज होते हैं उनके अंदर अभी इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं है, जो कि कल के दिन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दोस्तों मैं आज लिख के दे रहा हूँ एक चीज़ कि अगर मैं 22 तारीख का जब आपको एडवांस बुकिंग बताऊंगा, एडवांस बुकिंग सुन लेना, वो कम से कम नहीं तो 15 करोड़ के पार होने वाला है। एडवांस बुकिंग इंडिया की बात करो, ओवरसीज की बात नहीं कर रहा, और आज अभी बताऊंगा ओवरसीज के अंदर भी कितना कलेक्शन कर लिया है इसने लगभग। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इंडिया के अंदर इसने क्या रिकॉर्ड बनाया। तो पहला रिकॉर्ड यह है कि भैया सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज अगर किसी फिल्म ने 1,00,000 टिकट जो पार की है वो की है पठान मूवी की टिकट ने। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले किसी भी मूवी की फिल्म की टिकट ने आज तक 1,00,000 टिकट इतने जल्दी पार नहीं की है। मतलब कहे जा रहे हैं सिर्फ महज 22 से 21 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, इस फिल्म ने अपना जो है 1,00,000 टिकट पूरे बुक कर दिए हैं। और फिलहाल के अगर मैं आंकड़े अभी आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह दूँ 1,90,000 के आसपास की टिकट इसने सोल्ड आउट कर दी है। मतलब जब मैं अभी वीडियो रहा हूं उस टाइम की बता रहा हूं, और मुझे लगता है कल की जब आप देखेंगे तो भैया कल तो भाई ये फिल्म गेम पलट चुकी होगी। मतलब इसने अलग अलग रिकॉर्ड और भी क्रिएट कर दिए होंगे। और अगर मैं बताऊं कितने की टिकट अभी तक बिक ली गई है, तो वो है अप्रॉक्सिमेटली लगभग 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट का इसने टिकट एडवांस बुकिंग में 24 घंटे के अंदर अंदर बेच दी है। तो मतलब आप खुद सोचिए कि क्या गेम होने वाला है भैया। ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, सारे के सारे खतरे। और मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं उन सब को देखना ये तोड़ती नज़र आने वाली है फिल्म। ये है किंग खान का जलवा, ये है किंग खान की पावर। और ओवरसीज के अंदर मैं अगर बताऊँ तो लगभग मैं कह दूँ 11 करोड़ के आसपास का टिकट इसने सोल्ड आउट कर दिया है, जो कि अभी आने वाले बचा है, मतलब आने वाले 5-6 दिन भाई, मतलब ये फिल्म ना गदर मचा देगी भैया। मतलब आप खुद सोचो ये क्या सुनामी है, ये क्या ही तूफान है जिसके पीछे मतलब सब लगे हुए हैं, इस फिल्म को देखना चाहते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा देखने। भैया किसी को रिव्यू नहीं चाहिए, रिव्यू मिल चुका है, किंग खान इस मूवी में है, उतना काफ़ी है इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने। हर टिकट जो है सारी की सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। हमने भी भैया फटाफट जाके, मैं तुरंत जैसे ही हमको पता चला ना कि टिकट बुक हो गए, मैं तुरंत गया हूँ PVR, तुरंत टिकट बुक की भैया। ऑनलाइन हो भी नहीं रही थी मेरे इधर, तो ऐप ही वर्क नहीं कर रहा था भाई, क्या ही बोलूं, ऐसी सुनामी आई पड़ी है पठान की। मतलब पठान भाई अभी से ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है, इसको लिख दो ब्लॉकबस्टर हिट। और सब बात करें तो भैया ये फर्स्ट डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अगर प्रिडिक्ट करूं तो वो कम से कम की बात कर रहा हूं तो 45 करोड़ होने वाली है। ओवरसीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। ओवरसीज के अंदर मैं आपको बता दूं तो ओवरसीज के अंदर कम से कम नहीं तो 60 से 80 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ये करेगी ये फिल्म फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। और उस वीक का अगर मैं निकालूं तो वीक देख लेना तुम, 4 दिन के अंदर अंदर 200 करोड़ पार करेगी, ये इंडिया की बात कर रहा हूं। ओवरसीज के अंदर तो भाई 300 पार कर जाएगी। और लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर मैं प्रेडिक्ट करूं आज, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 550 करोड़ के ऊपर का अमाउंट होने वाला है। आपको क्या लगता है आप उस चीज़ को कमेंट में करके बताओ, जल्दी से बता देना। अगले अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।